लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ था। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिला है। लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था, लेकिन इनके जन्म के 5 साल बाद इनके माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मीना, आशा, उषा, हृदयनाथ इनसे छोटे थे। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही परिवार महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया और ये वहीं पर ठीक प्रकार से रहने लगे। लता ने केवल 5 साल की उम्र से ही अपने पिता के मराठी संगीत नाट्य में कार्य किया। 1942 में इनके पिता नहीं रहे, इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर आज सभी के दिलों में बसी हुई हैं, उनका नाम आज भी बहुत फेमस है।